हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुलबुल लाइफ स्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग वहाँ से आ चुके थे डिनर करके और यहाँ पे हमारी चल रही है सभी लोगों की मस्ती। तो आज हम लोग सोने वाले नहीं हैं, आज हम पूरी रात जागेंगे और ऐसे ही मस्ती करेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है इन लोग के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए। सुबह से अभी यहाँ पर हम लोग बैठ चुके हैं, तो अभी हमारा जो टाइम है अभी हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं सब लोग। तो यहाँ पे मामू जाए कि सबको गिलास में भर के दे रहे हैं, और भाभी यहाँ पे बात कर रही थी, वो छोटे वाले जो गिलास आते हैं कांच के, तो वो किस लिए होते हैं, कोल्ड ड्रिंक के लिए ही होते हैं या फिर किसी और के लिए, सो वही पूछ रही थी। और बस यहाँ पर हम लोगों को लॉकडाउन की याद आ गई, हम लोग इसी तरह से हम लोग पूरी पूरी रात ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक पीना, कहीं शिकंजी बनाना, कहीं किसी को बुलाना, बस इस तरीके से हम लोग ऐसे ही टाइम पास करते रहते थे, अपना पूरी पूरी रात निकाल देते। और सुबह उस टाइम पर रमज़ान चल रहे थे ना, और सुबह फिर सहरी का टाइम हो जाता था, ऐसे ही करके हमारे सारा दिन ऐसे ही गुजरता था। बहुत मज़े आते थे लॉकडाउन में। और बस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ना मामू बैट लगा रहे थे कि इस तरह से कोल्ड ड्रिंक कौन निकाल सकता है जिसमें बिल्कुल भी झाग ना बने और ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक निकल जाए। तो मैं भी मामू से बोल रही हूँ, आपने भी नहीं कर पाया, देखो थोड़ा थोड़ा सा झाग तो है ही। एक सादा वाला गिलास उठा लो जी। जी जी पांच का है कौन जी? पांच ही है, पता नहीं, मैं जी पी लूंगा। लो तो पांच छह नहीं, एक फूट छह नहीं है, एक फूट फट गया होगा। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे अपने अपने कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं, कोई थम्स अप पी रहा है, कोई फिज पी रहा है, हैप्पी फिश, और साथ में नमकीन वगैरह भी रख लिए हैं, तो इसके साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये वाला जो ग्लास देख रहे हो ना आप लोग कांच का, तो ये इसमें से एक ग्लास फूट चुका है, तो सिर्फ पांच ही हैं हमारे पास। तो अभी मामू एक और ग्लास लेने के लिए गए हैं। ये आ गया है मामू का ग्लास, अब मामू इसमें पियेंगे कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पे बातें चल रही हैं हमारे छोटे वाले बॉबी की, यानी कि मेरा जो कज़न ब्रदर है वो भी हम लोगों के पास आ जाता था रात में, और हम लोग पूरी रात इसी तरह से मस्ती करते थे, बातें करते थे, इसी तरह से हमारा पूरी रात जो है ऐसे ही गुजर जाती थी बातें करते करते में। तो वही उसी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, मामू और बॉबी भाई वगैरह के। छोटा बॉबी होता तो और ज़्यादा मज़े आते। ये नहीं फटी ही नहीं। ये देखो रात के 1 बजे इनके पटाखे चल रहे हैं और ऊपर हम लोग छत पे घूम रहे हैं सभी लोग। रात के 1 बजे तक इनको नींद नहीं आई है। तो बस हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में ऊपर छत पे आ गए, और छत पे देखे तो भाभी को मैंने छत नहीं दिखाई थी अपने घर की, मतलब ऊपर नहीं आए थे हम लोग। तो मैंने सोचा कि चलो भाभी अब कल तो निकल ही जाएंगे अपने घर के लिए, तो अभी भाभी को ऊपर छत वगैरह भी घुमा देती हूँ, अपना घर दिखा देती हूँ पूरा। तो हम लोग छत पे जैसे आए तो मुझे यहाँ पे ये पटाखे कुछ दिख गए थे, तो मैंने सोचा चलो भाभी अब आई हैं तो पटाखे अब चला ही लेते हैं, और रात के 1 बजे हैं और हम लोग यहाँ पर पटाखे चला रहे हैं। तो हम लोग जाएंगे ना, भाभी से पूछ रहे हैं भाभी आप पटाखे चला लेती हो या नहीं चला पाती, तो भाभी बोल रही हाँ मैंने चला लेती हूँ, लेकिन छोटे छोटे वाले जो पटाखे होते हैं जैसे चरखी हैं, अनार हैं, फुलझड़ी हैं, इस टाइप के पटाखे मैं चला लेती हूँ। तो अभी हम लोग भाभी से भी जलवाएंगे आगे। ओ नीचे रखो नहीं नहीं यार। तुमने ऐसे कर रखा था, और भाभी का यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बचपन भी दिख, मतलब बचपना भी दिखेगा, वो भी कूद रही है हम लोगों के साथ में।
तो जब हम लोग जब छोटे थे ना, तो इस तरह से जब चरखी चलती थी इस तरह से ऐसे ही जंप करते थे, तो वही बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं और बस इसी तरह से ये चरखी चल रही है ना, ऐसे ही कूद रहे हैं इसके ऊपर। नहीं दम तो बहुत थी इसमें। और एक चरखी का तो लास्ट में ये हुआ कि वो चलते चलते खुल गई थी, तो फिर वो नहीं चल पा रही थी अच्छे से। और यहाँ पे एक लास्ट ये बचा हुआ है, तो इसको भी अभी चलाकर ख़त्म कर देते हैं सारे पटाखे। तो मामू बोल रहे हैं ये कौन चलाएगा, सबको दे रहे हैं कि तुम चलाओ तुम चलाओ तुम चलाओ, लेकिन ये बजने वाला नहीं, आवाज़ नहीं आती है, लेकिन सिर्फ रोशनी होती है, लेकिन फिर भी सब लोग मना कर रहे हैं नहीं तुम चलाओ इस तरीके से। तो यहाँ पे भाभी जो है कि जैसे सामने खड़ी हो गई थी, तो मामू बोल रहे थे सामने से हट जाओ, ये ना आवाज़ करने वाला है, सामने ही जाके फूटेगा। तो फिर भाभी और हम लोग सब लोग हंस रहे थे, भाभी हम लोग एक साइड में हो गए थे, और यहाँ पे बस बिल्कुल भी आवाज़ वाला नहीं था, ये ऐसे ही नहीं चलता है वो तो हीरो के नीचे। और अभी है मॉर्निंग टाइम नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे जैकी भाई और हम लोग जैकी उठ गए हैं सो के, और बस यहाँ पे जैकी भाई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तब तक मैं बना लेती हूँ चाय और पापा जी के लिए नाश्ता। तो बस अभी मैं किचन में ही हूँ अभी फ़िलहाल, और यहाँ पे मैंने पापा जी के लिए बनाया है लौकी वाला दलिया, तो अभी उनको दे आती हूँ। नाश्ता मैंने पापा जी को दे दिया है, अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, और बाकी अभी कुछ लोग सो रहे हैं मामू और बॉबी भाई वगैरह, तो तब तक मेरी झाड़ू भी लग जाएगी है ना। और यहाँ पे ये देख लीजिए अभी मैं बना रही हूँ चाय।
और ये ले आए थे नाश्ता। मैं बोल रही थी मैं बना देती हूँ कुछ, तो ये बोल रहे कि नहीं, यहाँ की जो फेमस है हमारे यहाँ के शिवपुरी के सेसई वाले का नाश्ता वो कराएंगे आज। तो ये बेड़ई वगैरह ले आए थे, बेड़ई समोसे जलेबी वगैरह हैं। सो ये शिवपुरी के बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो भाभी यहाँ पे मुझे हेल्प कर रहे हैं थोड़ी सी किचन में। तो भाभी जो है पहले मुझसे बोल रही थी आज मैं सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी, और मुझे पता ही नहीं चला कि ये कब चलेगा और कब जाके ये नाश्ता ले आए, वरना आज हम लोग दोनों नंद भाभी मिलके कुछ बनाते स्पेशल सा। तो फिर अब चलो खैर कोई नहीं, अब ये नाश्ता आ गया तो बस यही करेंगे, और ये करने के बाद मैं खाना बनाऊंगी मैं पापा जी के लिए, और उसके बाद हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। तो ये नाश्ता ले ही आए थे, तो फिर नहीं तो आज आप लोगों को मेरी भाभी की कुकिंग देखने को भी मिलती। अब खैर कोई नहीं, चलो ये जो नाश्ता आ गया बस यही कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे दस्तरखान लग चुका है, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ नाश्ता करने के लिए। और भाभी ना ऐसी वाली बेड़ी पहली बार देख रही है, वरना हम लोग के साइड में ग्वालियर या मुरैना साइड में तो गोल गोल बेड़ी बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसी लंबी लंबी बेड़ी बनाई जाती है ना, तो भाभी भी देख के थोड़ा सा बोल रही है कि इतनी लंबी लंबी सी बेड़ी मैंने पहली बार देखी है। और बस अभी यहाँ पे हम सभी लोग बैठेंगे और नाश्ता इंजॉय करेंगे। अच्छा आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को समोसा ज़्यादा पसंद है या बेड़े। मुझे लगता है समोसे वाले ज़्यादा लोग होंगे, क्योंकि समोसा सबका फेवरेट होता है, मेरा भी है। मैं बेड़े ही नहीं खाती हूँ, मैं समोसा ज़रूर से खाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। तो मामू यहाँ पे नीचे ज़मीन में बैठ गए थे, तो मैंने बोला मामू वहाँ पर मत बैठो ठंडा हो रहा है, यहाँ पर ऊपर आके बैठ जाओ। बैठे बैठे खुद आया था कि मुझे ना जी लोगों वो वाली लो, वो वाली छोटी वाली छोटी वाली जी मंत्रिया को फोन लगा। ये क्या चीज आती है? चटनी है, चटनी और टेस्टी होती है। हम खाते हैं क्या मंत्रिया को दाल जैसी लग रही है? अरे जी पर दाल हो, अरे जी पर क्या पाव जी कदम हो गए हम। हाँ समझे, आज मुरैना में तो पालक की चटनी बनाते हैं, वो उधर जाते हैं कड़ी बनाते हैं। कड़ी? हाँ कड़ी और रायता, कड़ी और रायता, कड़ी भी नहीं लगता है हमारे गरम गरम। हाँ गरम में दाल पकौड़ी वाला है ना, वो भी दाल पकौड़ी वाला, वो ही क्या ना मूली देता है साथ में, क्या मिर्ची, मूली और मिर्ची। मूली का तो सुन नहीं यार, यहाँ तो उबालता है यहाँ, क्या करता है वो मस्त रखती है मूली। मूली का अचार होगा? अरे अचार को डालना का देखो, ये उसके छोले भटूरे वाले के छोले समझ में नहीं आते। मुझे सबसे फेमस है सब्जी जैसे बना देता है, वो सब्जी जैसे बना देता है, सबसे ज्यादा फेमस है जो घर में सब्जी बनती जैसे। अच्छे लगते खिलाता वही है कागज पे। अरे वो ठेले उस दिन आप लेके आए थे वही वाला? नहीं दूते, ये सबसे ज्यादा फेमस है। समोसा ले लेना, फेवरेट ना समोसा, तो खाया नहीं है ना बेड़ी, तो खाई है कि दे लेना। पहले वो ऐसे गोल बना लेते हैं, उसमें डाल देते हैं दाल वगैरह।
चावल का बस एक मिनट मारते हैं ऐसे, चावल को गेहूं का आटा डाल देते हैं। मुझे एक जलेबी दे दो, चावल को गेहूं का आटा होता है। तो इसी के साथ में आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।